नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र एक बार फिर आपके साथ आपके अपनी YouTube चैनल होम गार्डन पे दोस्तों, और एक नया वीडियो एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। तो सबसे पहले आज की जो वीडियो है, वीडियो का विचार, और आज की वीडियो का विचार है दोस्तों कि हमें अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। जो हम काम कर रहे हैं उसे कई बार करें, अगर हम एक बार सक्सेस नहीं होते दोबारा करें, दोबारा नहीं होते फिर करें, और वो काम तब तक करें जब तक हम उसमें सफल नहीं हो जाते। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। बार बार अभ्यास करने से कोई भी कार्य आखिरकार सफल हो ही जाता है। तो चलिए मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ वो दिखा देता हूँ, और ये देखिए जी हाँ, ये बेर है एप्पल बॉर, और ये काफ़ी बड़े बेर हैं दोस्तों। मेरे कुछ जो व्यूअर हैं उनकी क्वेरी थी कि सर आप हमें बेर का पेड़ लगाना बताइए, बेर हम कैसे ग्रो करें। तो इस सीज़न में ये नहीं मिलते, लेकिन मैंने कहीं से इन्हें खोज निकाला आपके लिए दोस्तों, और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है खाने में, मुझे काफ़ी पसंद है और मुझे उम्मीद है आप सभी को भी काफ़ी पसंद होंगे। तो मैं इनके कुछ जल्दी से बेनिफिट बता दूं। तो बेर खाने का जो सबसे अच्छा फ़ायदा है वो है आपकी पेट की सफाई, ये कब्ज़ को दूर करता है, भूख बढ़ाता है। तो दोस्तों आपको अगर कब्ज़ की शिकायत है तो उसे ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। कैंसर सेल को ये नष्ट करता है दोस्तों, अभी नए जो शोध हुए उनमें बात निकल आ रही है कि बेर खाने से कैंसर में भी लाभ होता है। ह्यूमैनिटी सिस्टम, हमारा इको सिस्टम बढ़ाता है, हमारी सोच समझने की क्षमता को ये काफ़ी तेज़ करता है। और इसके अलावा इसके बहुत सारे गुण हैं, हमारी जो कहना होगा किसी को डायबिटीज है तो वो बेर खाना शुरू करे, उसे लाभ होगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि भारत में जो बेर लगाने का सही समय है वो बरसात का समय होता है। एग्जैक्टली आप वास्तव में इसे मार्च के बाद लगा सकते हैं, अप्रैल मई और जून जुलाई में ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है। लेकिन सर्दियों में ज़्यादातर सीड जहाँ ग्रो धीमे करते हैं, लेकिन नॉर्मली सभी सीड ग्रो हो जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना चलिए आपको इसका तरीका ही बता दिया जाए, और एक एज ए प्रैक्टिकल तो मैं इनके सीड आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने धो लिए हैं सीड, ये गुठली बोलते हैं हमें, आप भी कभी ना कभी तो बेर आपने खाए ही होंगे, और ये काफ़ी बड़े बेर हैं। तो इसके हिसाब से इन्हें हम पैमद ही बेर बोलते हैं, पैमद जैसे शायद उर्दू भाषा का शब्द है। और सीड इसका देखिए बहुत छोटा है, इसका जो सहज है बेर का बहुत बड़ा है, और सीड जो है बहुत छोटा है। तो इसी सीड से हम जो है आज ग्रो करने की कोशिश करेंगे अपने प्लांट को, बेर के एप्पल बॉर शायद अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों से। तो मैं आपको इसकी ब्रांच भी दिखाता हूँ। तो बेरी की आपने ये ब्रांच देख रहे हैं, बेरिया जिसे हम यहाँ हिंदुस्तान में बोलते हैं, इंडिया में, मेरे बेरी के बेर ना तोड़ें, आपने सॉन्ग भी सुना होगा, काफ़ी फेमस सॉन्ग है। और ये बेर के ही पत्ते हैं, ये देखिए, और बेर पर ग्राफ्ट काफ़ी आसानी से हो जाता है, इस पर जो कलम लगती है वह बहुत आसानी से लग जाती है, और सीजन भी है ग्राफ्टिंग का। लेकिन मैं केवल आपको एज ए इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा हूँ कि जब नई ब्रांच निकलना शुरू हो जाए, जैसे अभी ये निकल रही है, तो आप समझ जाइए कि ये ग्राफ्ट की जा सकती है। अगर नया अंकुरण हो रहा है किसी पौधे पर तो ये उसकी बेसिक जानकारी है कि आप उस पर ग्राफ्ट और कलम कर सकते हैं आसानी के साथ। तो आज हम केवल ये बेर लेते हैं और इसका सीड निकालते हैं। वैसे हम इसे जनरली खा लेंगे और सीड तो निकल ही आएगा, हम गुठलियों को अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन मैं आपको इसे चाकू से निकाल कर दिखाने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद हम इन्हें अपने जो है कोकोपीट और जो हमारा गोबर खाद का मिश्रण है उसमें उगाएंगे। तो आप देखिए मैं इन्हें बड़े प्यार से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ पीसेस, और मुझे बड़ा कहना होगा, मेरे मुँह में पानी आ रहा है दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये लीजिए, हमने जो है सीड इसका
निकाल लिया है, मैं इन्हें अपने बेटे को दे देता हूँ, वो इन्हें खा लेगा, मैं भी कुछ खा लेता हूँ। तो इस पर जो छिलका लगा या गूदा लगा है उसे आप साफ़ कर दें। और वैसे सही तरीका सीट को लगाने का है कि इसे आप बिल्कुल साफ़ करें, इस पर बिल्कुल गूदा नहीं लगा रहना चाहिए आपका। पके हुए बीज, पके हुए फलों के ही बीज निकालने की कोशिश करें आप। तो देखिए दोस्तों, मैंने कुछ सीड निकाल लिए हैं बेर के और इन्हें हम सीधे अब ग्रो करेंगे। मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल नट की तरह हैं, बहुत हार्ड इनका छिलका है। और जो सीड नट्स की तरह होते हैं, जिनका हार्ड छिलका होता है, वो ग्रो होने में टाइम लेते हैं, कम से कम 30 दिन से ज़्यादा लेंगे। लेकिन हम एज ए प्रैक्टिकल और देखना चाहते हैं क्या बेर को हम इस समय लगा सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ग्रो करेंगे, तो हम सॉइल बनाएंगे और सॉइल में कोकोपीट होगा और गोबर खाद, केवल हम दो ही चीज़ लेंगे और हल्की सी मिट्टी। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोकोपीट आपके पास हुई हो, मेरे पास अवेलेबल है तो मैं इसे यूज कर रहा हूँ। आपके पास नहीं है तो आप सैंड ले लें, रेत, नदी की रेत, और लगभग 50% रेत और 50% गोबर खाद मिला लीजिए, और पॉलीथीन या गिलास या फिर ज़मीन में भी आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए हम इन्हें ग्रो करने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए कोकोपीट, दोस्तों आप ऐसा किया करें कि कुछ दिन पहले पानी मिलाकर उसे छोड़ दिया करें, तो बाद में जो कोकोपीट की क्वालिटी बनती है वो बहुत ही बेस्ट हो जाती है, आप देख सकते हैं ये। तो चलिए मैं इन्हें अपने गिलासों में भर लेता हूँ, इसमें गोबर खाद और मिलानी है हमें। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैंने गोबर खाद और कोकोपीट मिक्स कर रहा हूँ मैं इसमें। और पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि मैं बहुत बड़ा कोई गार्डनर नहीं, मैं एक छोटा मोटा ऐसे हॉबी है मेरी, और जो मेरे अनुभव हैं या जो मैं उगाता हूँ या प्लांट जो लगाता हूँ आपके साथ बस शेयर कर देता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी उससे कुछ लाभ मिलेगा, मेरे को भी आपसे सीखने को मिलेगा जब आप क्वेरी करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमारे जो अनुभव हैं उनमें इजाफा होता है और हम भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो आप इस बात को ना समझें कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, लेकिन कोई भी क्वेरी आप लाइए, मैं कोशिश करूँगा उसे हल करने की। तो बस हमारा ये तैयार है मिक्सर, और अब हम अपने जो गिलास हैं उन्हें भर लेते हैं। आज मैं कुछ नए गिलास यूज कर रहा हूँ, क्योंकि पुराने जो मेरे पास यूजेबल गिलास थे वो अभी यहाँ हैं नहीं, मेरे फार्म पर हैं, और मैंने सोचा चलिए। और हम इनमें दो दो सीड लगाएंगे, क्योंकि हम एज ए प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और उसके बाद हम इन्हें दबा देंगे। पानी निकलने के लिए हमें छेद करने हैं, वो अभी हम कर देते हैं इनमें। बेर स्वाद भी बहुत अच्छा होता है दोस्तों, और ये पौष्टिक भी काफ़ी है, और इसका जो पौधा है उसका बोनसाई भी बड़ा अच्छा बनता है। ये देखिए मेरे हाथ से ये गिलास छूट गया। आप किसी की भी कटिंग लगाएं, जब ग्लास भरें या पॉलीथीन भरें तो उसे अच्छी तरह से टाइट कर दें, पोल नहीं होनी चाहिए, तो ये इसका एक सिद्धांत है दोस्तों। और सीड ज़्यादा गहराई में ना लगाएं एप्पल बोर के, बेर के लगभग आधा इंची मिट्टी आप उन पर डाल सकते हैं। और ये मिट्टी कम, ये तो कोकोपीट और हमारा जो गोबर खाद है उसकी सड़ी हुई खाद है, डीकम्पोस्ट। तो ये लीजिए, हमने अपने ये दो जो गिलास हैं बेर उगाने के लिए तैयार कर लिए हैं। और
मैं आपको पहले ही बताऊं दोस्तों कि ये काफ़ी टाइम लेने वाले हैं, क्योंकि इनका जो छिलका होता है ऊपरी वो काफ़ी हार्ड है। मैं ये होल कर रहा हूँ अतिरिक्त पानी निकलने के लिए। तो जिनकी क्वेरी थी, जिन मेरे व्यूअर की फ्रेंड्स की, तो उन्हें जानकारी मिली होगी। अगर आप कृषि यानी के फार्मिंग के लिए बेर लगाना चाहते हैं या बेर के प्लांट लगाना चाहते हैं, तो पहले आपको प्लांट तैयार करने होंगे। आप देसी कर सकते हैं और उसके बाद आप उनकी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, हमने अपने जो सीड थे बेर के वो अपने गिलास में लगा दिए हैं और इनमें हम अब हल्का हल्का पानी डालते रहेंगे। आपको ध्यान रखना है, नमी नहीं ख़त्म होनी चाहिए हमारे गिलास की। और उसके बाद जो प्लांट तैयार होगा वो बिल्कुल हाइब्रिड होगा। अगर उसकी क्वालिटी ख़राब भी होगी तो हम उन्हें ग्राफ्टिंग से चेंज कर सकते हैं। राजस्थान में काफ़ी बड़े स्तर पर फार्मिंग होती है और ये जो मैंने बेर मंगाए हैं, ये डीग भरतपुर में एक तहसील है राजस्थान में ही, वहाँ से ही मैंने इन्हें मंगाया अपने दोस्त के पास से। वहाँ पर बहुत अच्छे बेर के प्लांट हैं और मैंने लगभग ऑरेंज के बराबर वहाँ पर बेर उगते हुए देखे हैं दोस्तों। तो धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। मुझे उम्मीद है कि आपकी क्वेरी कुछ ख़त्म हुई होंगी और अगर कोई और फिर भी शिकायत है, सुझाव है, तो आपका फिर से स्वागत है। धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ। फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, थैंक यू।